शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने मुहर्रम पर उत्तर प्रदेश में ताज़िया बनाने वालों पर ज़िला प्रशासन की कार्रवाई पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि ताज़िया बनाने वालों का रोज़गार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मौलाना ने सरकार से सभी ज़िलों में आदेश जारी करने की अपील की है कि ताज़िया बनाने का रोज़गार ना छीने और उन्हें परेशान ना किया जाए। ताज़िया बनाने नहीं दिया जा रहा है, जो ताज़िया बनाने वाले कारीगर हैं और जो ताज़िया हदिया करने वाले लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था खुद मेरे शहर में कि जहां ताज़िये बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं लोगों को परेशान किया गया है। पहले ताज़िये को समझा जाए। देखिए ताज़िया जो है उसमें और COVID-19 से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे दुनिया की सारी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं और लोग बेच रहे हैं, वैसे ही ताज़िया भी लोग रखेंगे और हदिया करेंगे। क्योंकि ताज़िये को ये उनका कॉन्सेप्ट के ताज़िया 50 फुट का होता है, ये गलत है। ताज़िया 1 फुट का भी होता है, 2 फुट का भी होता है, 5 फुट का भी होता है, 7 फुट का भी होता है और 50 फुट का भी होता है। लिहाजा जब ताज़िये के जुलूस पे पाबंदी है तो अब अगर कोई ताज़िया खरीदता है और ताज़िया बनाता है तो वही वाला खरीदेगा ना कि जो वो उठा सके, जिसकी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो उस ताज़िये को बनाने से क्यों रोका जा रहा है। मौलाना ने लखनऊ के उलेमा, जाकिरों और अवध के नवाबों के वारिसों से अपील की है कि वो लोग आगे आएं और जिला अधिकारी से मिलें और इस बात को सुनिश्चित करें कि वक्फ हुसैनाबाद छोटे इमाम बाड़ा शाह नजफ के अलावा बड़ा इमाम बाड़ा में मजलिस आदि अन्य प्रोग्राम कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर आयोजित कराए जाएं। मैडम, इस बार मुहर्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? हर साल मुहर्रम में तैयारियां अच्छी होती थी। शाहीजादी पहली मुहर्रम को उठती थी, बड़े इमाम बाड़े से उठकर छोटे इमाम बाड़े में आती थी, लेकिन इस कोविड ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। 36 के ऊपर पाबंदी क्या एक वाजिब तरह की है कि कोविड है तो साइज को भी सबको परेशानी है, बहुत ख़राब मरज है। तैयारियां सबकी मौजूदी बड़े इमाम बाड़े में मोम की शाहीजादी बनी है, लेकिन मैं ये मांग करना चाह रही हूँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि इस जरी को कोविड गाइडलाइन के तहत इसको बड़े इमामबाड़े से उठाकर छोटे इमामबाड़े तक लाया जाए। क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा है, सब रैली हो रही है, अभी नड्डा जी आए थे एयरपोर्ट पर, कितना रश था, कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग थी, कहाँ पर क्या था, उसी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 100-175 लोगों में जरी को भी उठवा देते हो। एक साल तक सारे लोगों को जरी का इंतज़ार होता है और साथ साथ जो लोग ताज़िये ज़री बनाकर अपना कारोबार खरीद बुक कर रहे हैं उनको पुलिस ना परेशान करे। हाँ मैडम, इस बार मुहर्रम को लेकर क्या तैयारियाँ? क्योंकि सरकार ने पहले से जुलूस के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत सारी बाधाएं सरकार ने बताया, जिस तरीके से मुहर्रम कैसे मनाएंगे इस बार? अब जैसे कहेंगे, देखिए उनकी हुकूमत है, सब कुछ है, जो चाहे वो कराए और करें। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग कह ही सकते हैं ना। आप तो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठाया गया आपको, हक और इंसाफ की कोई बात ही नहीं है। हजारों त्यौहार हो रहे हैं, हजारों लोग जमा हो रहे हैं, कहाँ ऐसी जगह है हिंदुस्तान में ये बता दिए जहाँ पे बड़े बड़े जुलूस नहीं हो रहे हैं? कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो नहीं मनाए जा रहे हैं? क्या मुहर्रम ही पे सारे कराना हुए जा रहे हैं, जबकि सब लोग मास्क लगाएंगे? सबको भी मालूम है कि हमारे आपकी जान एक जानवर को भी प्यारी होती है, हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं ये मास्क लगा के जाएं, हाथ धोए, सफाई करें, दूरी बनाए रखें, और वो खुद भी देखें। उनकी तो पुलिस रहती है, सब कुछ रहता है, देख सकते हैं वो तमाम चीज़ें, उनके लिए देखने के लिए आजकल मुहैया है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बाजारों और राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इस पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। पंजाब केसरी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।